नवाबशाह में अफसोसनाक ट्रेन हादसा। सरहारी स्टेशन के करीब कराची से हवेलिया जाने वाली हजारा एक्सप्रेस की 11 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। 37 मुसाफिर जहां बहक, 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीमों, पुलिस और मकामी अफराद के फंसे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक बंद। मुतादी ट्रेनों को करीबी स्टेशनों पर रोक लिया गया। बदकिस्मत ट्रेन में 1000 के करीब मुसाफिर सवार थे। ट्रेन की रफ्तार 45 से 50 किलोमीटर फी घंटा थी। तहकीकात जारी है कि हादसा टेक्निकल वजूहात की बिना पर पेश आया या तखरीबकारी हुई। वजीर रेलवे साद रफी की मीडिया से गुफ्तगू। ट्रेन हादसा, आर्मी चीफ की हिदायत पर पाक फौज और रेंजर्स के दस्तों की जाए हादसा पर आमद। रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ जीओसी हैदराबाद मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन मौका पर पहुंचे, इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने तक पाक फौज की टीमें जाए हादसा पर मौजूद रहेंगी। जीओसी हैदराबाद की गुफ्तगू, आर्मी एविएशन की हेलीकॉप्टर भी पहुंचे। फौज और रेंजर्स की इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करके ट्रेन हादसे के मुसाफिरों को रेस्क्यू किया। गैर यकीनी के बादल खत्म। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी, दफ्तर खारजा ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट टीम की सलामती के बारे में गहरे तश्वीश है। अपने खदशात आईसीसी और भारतीय हुकाम तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुकम्मल तहफ्फुज़ यकीनी बनाया जाएगा। खेलों को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। आलमी खेलों के बारे में हम अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहे हैं। इंडिया ने एशिया कप के लिए अपनी टीम पाकिस्तान भेजने से इनकार करके मोतसबाना रवैया दिखाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, पाकिस्तानी टीम भारत में अपना पहला मैच हॉलैंड के खिलाफ 6 अक्टूबर को खेलेगी। तोशाखाना फौजदारी केस में गिरफ्तार चेयरमैन पीटीआई अटक जेल में बंद। जेल के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, पुलिस और एलीट फोर्स के दस्ते तैनात। चेयरमैन पीटीआई को जमीन पर सोने के लिए मैट्रेस फराहम किया गया। जेल मैनुअल के मुताबिक खाने की फराहमी जारी, मेडिकल चेकअप भी हुआ। उन्हें उसी बैरक में रखा गया जहां नवाज शरीफ भी कुछ अरसा सिर रहे। नौ अगस्त को असेंबली तहलील कर दूंगा, उसके बाद निगरान हुकूमत आएगी और इंतखाबात होंगे। जरलो इलेक्शन से आने वाली हुकूमत ने बरादर ममालिक से ताल्लुकात को तबाह किया। चीन जैसे दोस्त की सरमायाकारी पर तनकीद की गई। दहशतगर्दों को सवात में दोबारा बसने की इजाज़त दी गई। नवाज शरीफ जल्द वापस आएंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाने के लिए अपनी जान लड़ा देंगे। नवाज शरीफ को झूठे इल्जाम पर सजा दिलवाई गई। उस वक्त मुखालफीन उछल उछल कर कहते थे, नवाज शरीफ ना अहल हो गया, मिठाइयाँ बांटो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कसूर के इलाके खुडियाँ खास में खिताब, मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस का संगे बुनियाद रख दिया। पीकेएलआई में अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं। ट्रस्ट फंड में 15 अरब रुपए इकट्ठे हो चुके। अब तक गुर्दे और जिगर के 1000 से ज्यादा ट्रांसप्लांट किए गए हैं। ये इदारा मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए 35 अरब रुपए का फंड मुख्तस किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांस इंस्टीट्यूट के जेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, पीकेएलआई यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रख दिया। पेशावर और हवेलिया में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, चेयरमैन तहसील काउंसिल मथुरा की नशिस्त। पीटीआई के इनामुल्ला ने 20,333 वोट लेकर जीत ली। गैर हतमी गैर सरकारी नतज के मुताबिक जेयूआई के उम्मीदवार रफ़ीउल्ला 13,564 वोट ले सके। एबटाबाद में तहसील चेयरमैन हवेलिया की सीट पर आज़ाद उम्मीदवार उजैर शेर खान 21,464 वोट लेकर कामयाब। पीटीआई के इफ्तिखार जदून 18,527 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नून लीग के तलहा आसिफ की तीसरी पोजीशन।
सेनेट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर कर लिया। अरकान के तहफ्फुज़ात पर इंटेलिजेंस अहलकारों को बगैर वारंट गिरफ्तारी का इख्तियार देने की तरमीम वापस ले ली गई। तासुब की ऐनक उतार कर देखना होगा। वार जोन्स में हमारे फौजी और इंटेलिजेंस अहलकार शहादतें दे रहे हैं, उनको तहफ्फुज़ देना होगा। वज़ीरे कानून आज़म नज़ीर तार, चेयरमैन PTI की सजा और गिरफ्तारी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के सैनिटर्स का ऐवान से वॉकआउट। ये फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है। ये जनवरी 22 में ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि फौरी तौर के ऊपर अगली जो 20-23 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ड्यू है, उसके लिए डिजिटल सेंसस का इत्तमाम किया जाए और उसके लिए इस पे कौम ने 34 अरब रुपया खर्च किया। जनाब चेयरमैन, डिजिटल मरदमशुमारी पिछली हुकूमत का फैसला था। फैसला किया गया था 2023 के इंतखाबात के लिए डिजिटल मरदमशुमारी का इंतजाम किया जाए। मुश्तरका मफादात काउंसिल के अजलास में चारों वज़राए आला मौजूद थे। कौम के 34 अरब रुपये खर्च हुए, इसहाक डार की सेनेट में वजाहत। बलोचिस्तान की आबादी 64 लाख कम कर दी गई, जो 7-8 सीटें बढ़ती थीं वो बर्दाश्त नहीं हुई। JUI के कामरान मुर्तज़ा का डिजिटल मरदमशुमारी के नतज पर तहफ़ुज़ात का इजहार, ऐवान से वॉकआउट। लेट हो भी गए इलेक्शन तो बहुत चंद दिन लेट होगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बेहतर यह है कि सेंसस जो है, जो नए लोग हैं इस वक्त पाकिस्तान का असल आवाम, वो वोट करे। अगर हमें कहीं कोई बुलाएगा, हम दोनों ऐसे लोग हैं जो हमेशा सच बोलते हैं, दोनों जाएंगे, सच बोलेंगे, जो पता होगा सब बताएंगे। तहरीक इंसाफ को एक और धचका, कसूर से नकई बरादरान का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। नई मरदमशुमारी से इंतखाबात ताखीर का शिकार हो सकते हैं। अगर हमें कहीं कोई बुलाएगा जाएंगे, जो पता होगा सब बताएंगे। जहांगीर तरीन की मीडिया से गुफ्तगू, सरदार तालिब और सरदार अयाज नकई की जहांगीर तरीन से मुलाकात, क़यादत पर एतमाद का इजहार। हमारी हुकूमत के 3 दिन रह गए, निगरान वज़ीर आज़म पर मुशावरत जारी है। मीडिया पर पाबंदियां नहीं लगाएंगे, हम खुद इन पाबंदियों का निशाना बने। पैमरा एक्ट वक्त का तकाजा है। मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। नून लीग नवाज शरीफ की क़यादत में आवाम के पास जाएगी। वज़ीर आज़म ने तमाम इदारों को इकट्ठा किया, ज़मीनी किसी के हवाले नहीं की जा रही। इन्वेस्टर्स के लिए वन विंडो ऑपरेशन होगा। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब की कराची में मीडिया टॉक। इंतखाबात जल्द अज जल्द होने चाहिए, सियासी जमातों को राह फरार इख्तियार नहीं करनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का काम साफ और शफाफ इंतखाबात कराना है। IMF के चुंगल से आज़ादी के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मिसाक़े मईशत नागुज़ीर है। वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। घरेलू तशद्दुद का शिकार बची रिजवाना की जनरल अस्पताल में हालत बेहतर, ऑक्सीजन उतार दी गई। प्लेटलेट्स की तादाद 1.5 लाख से बढ़ गई। रिजवाना बातचीत और खुद खाना खाने लगी है। सर्जरी का मरहला जल्द शुरू होगा। सरबरा मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जोदत सलीम की गुफ्तगू। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद का केस, मुलजिमा सोमिया शामले तफ्तीश। GIT के सामने जुर्म से इनकार, बची हमारे घर में मुलाजमा नहीं थी, बची पर कोई तशद्दुद नहीं किया, उसे स्किन एलर्जी थी। जज की अहलिया का बयान। वज़ीर आला सिंध की सदारत में सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। कराची के तरक्याती काम सूबाई और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर किए, पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ। मुराद अली शाह की गुफ्तगू, मुल्क और शहर हम सब के हैं, शहरों की तरक्की और आवाम की बहबूद सबका फ़र्ज है। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तखार। वज़ीर आला की कराची में M9N5 रोड पर प्रोजेक्ट अक्टूबर तक मुकम्मल करने की हिदायत। दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, भूखा पतन के मकाम पर पानी की सतह फिर बुलंद। मुतादिद हिफाजती बंद टूट गए, दर्जनों आबादियों का ज़मीनी राबिता कट गया। लोग महसूर, आरिफवाला में ढोला पतन के मकाम पर पानी की सतह बरकरार। सैलाबी पानी दरिया के मुलहक्का इलाकों में कई किलोमीटर तक फैल गया, हज़ारों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब।